को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे को बार बार यही बहाना टारगेट बनाया जाएगा कि आप नॉन बीजेपी हो, इसका मतलब थोड़ी है मेरा काम नहीं होगा, मेरे लोग का काम नहीं होगा। मेरे को जब तक फंड्स नहीं आए, मैं आसिफ बेकी साहब जेब से थोड़ी फंड्स निकालेगी, वो लगाएगी, जो जो फंड्स मेरे पास आए वो मैंने यूटिलाइज कराए, और जो अलॉटेड वर्क्स थे, चाहे रोड का मसला मैंने अभी आपको दिखाया, चाहे वो ड्रेन का मसला था, चाहे कोचू का मसला था, मैंने वो उनकी नोट्स में लाया, 50 बार मैंने ये इसमें एस्टिमेशन कराई, मैं थक गया एस्टिमेशन करते करते। क्यों सियासी बुनियादों पर इंसान, मैं क्या लोगों का नुमाइंदा नहीं हूँ, इलाके का दौरा करने आया हूँ, इनफैक्ट मैं इससे पहले भी यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ। आप देखिए ये इस ड्रेन की हालत क्या है, इन्होंने इन प्रेसिडेंट साहब ने मेरे नोटिस में ये 10 बार लाया, 2 साल पहले मैंने इसकी सारी समझो फॉर्मेलिटीज कराई, चाहे वो एस्टिमेशन हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, हर एक चीज़ कराया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्यों बार बार मेरे इलाके में मुदाखलत कर रहे हैं, काम क्यों नहीं होने दे रहे। अगर इन्होंने बोला हम यहाँ पे नया कश्मीर बनाएंगे, क्या यही नया कश्मीर है? क्या लोगों से इसीलिए मैंने इलेक्शन लड़ा था ताकि वो ये यहाँ के गंदे नाले ये रोड्स की आफत। पिछले साल मैंने ये सारे टेंडर कराए, अलॉटेड कराए, ओके गए, वो आपको मेरे से ज्यादा मेयर ऑफ सिटी, फादर ऑफ सिटी, जो अभी हेलम ऑफ अफेयर्स पे जुनैद अजीम मोतू साहब, वो बोल सकते हैं। अगर डल में मैग्नेटाइजेशन हो सकती है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने मेरे को वोट दिए या नहीं दिए, लेकिन मैंने उस बुनियाद पर कभी किसी का काम नहीं किया, ये एनसी वाला है, पीडीपी है, कांग्रेस है या किसी और, मैंने ये सोच के ये यहाँ पे काम किया था कि लोगों को मेरी तरफ से कुछ आराम पहुंचना चाहिए। मेरे को रोज रोज टारगेट बनाते हैं, ना कोई काम होने दे रहे मेरे एरिया में। आप देखिए रोडू की हालत क्या है, मैं तो पहले लोगों ने मेरे को चुना क्योंकि मेरे को इनकी बात हर फोरम पे पहुंचानी है, वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जब मैं वहां से नाकाम हो मैं खुद बोलूंगा मैं इनकी तरफ से अपनी तरफ से इनको माफी मांग रहा हूँ, मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया, मैंने कोशिश, ये नहीं कहूंगा मैं कोशिश नहीं की, कोशिश मैंने की, मेरा काम था आइडेंटिफाई, क्या क्या 30-40 कोचे बनाए, जो इनने XMLA ने यहाँ पे लैंड भी खाया था, वो लैंड ग्रैबिंग की थी, उसमें 12 उसमें अंकल बोल सकते, उसमें भी 1.5 साल मेरे को लगा, उसमें कितनी मेरे को दोहरा ये आए मुश्किलें आए मैं आपको भूल ही नहीं सकता। यहाँ पे ये यूथ हो चाहे बुजुर्ग, आप इनसे पूछ सकते हो, मैंने वो चीज भी नहीं देखी, मेरे पास बीजेपी वाला भी आया, मैंने उसका भी काम प्रायोरिटी पे किया, मेरे पास एनसी वाला भी आया उसका भी काम किया, मेरे पास पीडीपी वाला आया उसका भी काम किया, चाहे कोई स्टून पेल्टर भी आया उसका भी काम किया, मैंने हमेशा लोगों की तर्जुमानी करनी चाहिए इस बुनियाद पे कि मेरे को लोगों ने चुना है, चाहे भले वोट उस टाइम कम आए, चाहे किसी ने वोट डाला या नहीं डाला, लेकिन मैंने हमेशा चाहा लोगों को मेरी तरफ से राहत है। मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक इस रोड पे मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगी। एक तो ये जोगीलांका जो मेन रोड है और अंदर से बगदेजी महला है, पूरा एंटायर रोड सफरना वारी, पिछले साल मैंने इसमें अलॉटेड वर्क्स कराए, अलॉटमेंट कराई, तो तुशी एते मागदम सारे इसमें के यूथ की भी आवाज है, डिपार्टमेंटन कोई छन काम करा टोटली छन। अच्छा ये मो कता काम छ वनी काम छ वारिया काम करमतन यो तो आई के कोच के गई के सड़क के गई, मगर सकी के जी मैनन मजर टोटली लाइट पाइट के लाइट सारे असल कोच, मगर बट विश्व भारत स्कूल है, देखिए कितना फेमस स्कूल है, विश्व भारती स्कूल है ये, देखिए कितना, अगर बुलंदबाग दावे करते हैं हम यहाँ पे नया कश्मीर बनाए, क्या यही नया कश्मीर बनाएंगे? आप देखिए अलमिया क्या है, ये विश्व भारती स्कूल के सामने ये मंजर है, 4 बार मैंने ये इनके नोट्स में इसमें अलॉटमेंट ये एस्टिमेशन कराई, कल बोल रहे हैं आप 16 कामों का एस्टिमेट करिए, मैं पहले वो पुराने काम क्यों नहीं करेंगे आप, जो मैंने लोगों से वादे किए वो क्यों नहीं करेंगे, आप क्या मिन्नत रख रहे हैं कि टैक्स पेयर नहीं है, इन्होंने ये 100-100 रुपए ये 100-100 रुपए नहीं देते हर महीने के बाद को, ना सैनिटेशन सही से हो रही है, अगर किसी ऑफिसर को फोन करते वो बोलते दूसरे पे ब्लेम करते हैं, यूईडी वालों को फोन कर वो बोलते हैं एसएमसी वाले करेंगे, एसएमसी वालों को फोन करते वो बोलते हैं आरएनबी वाले, आवाज दो हमारी मांगे बड़े बड़े ढूंढे चलते थे, हाउस बोट चलते आते जाते थे, तो ग्राउंड बन गया है, इसे उसको ग्राउंड बना आप बोलते हैं डल में कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन उधर कंस्ट्रक्शन होती है अभी भी, मैं लड़ूंगा डल, ये लौड़ा वालों ने डल खत्म किया है। चलिए शुक्रिया, मैंने लक्चार ब्रोट को वक्त आखिर मगर कहीं गवर्नमेंट की तरफ इंतजाम आ गो वक्त मे कि हथा
ये हालत देखिए,